हाय फ्रेंड्स, आज हमको निकोन एक्सएफ में आर्क में कैसा काम कर सकते हैं कुछ थोड़ा देखेगा। फर्स्ट हम मिशन ऑन करके पूरा मैं सेट करके रखा, इसके बाद में क्या करने का हमारा प्रोग्राम में जाना चाहिए। प्रोग्राम इसमें अपसेट मिलेगा, अपसेट से आर्क रेफरेंस वो उठाना है। इसमें एक्चुअली P1.P2/radius मतलब दो पॉइंट देगा, फिर इसके साथ रेडियस भी दे तो आर्क बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, एक पॉइंट देगा, दो पॉइंट देगा, हॉरिजॉन्टल एंगल देगा, हॉरिजॉन्टल एंगल टू भी देगा तो भी आर्क बना सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन, एक पॉइंट देगा, रेडियस देगा, हॉरिजॉन्टल एंगल देगा तो आर्क बना सकते हैं। फिर और भी एक ऑप्शन, एक पॉइंट देगा रेडियस विथ लेंथ, लेंथ मतलब आर्क का पूरा लेंथ देगा तो आर्क बना सकते हैं। हम इधर फर्स्ट ये देखेगा P1.P2 रेडियस, इधर ही रेडियस डालना है। मैं ऑलरेडी पूरा रेडियस डाल के रखा। रेडियस किधर से हमको मिलना है तो हमारा पॉइंट का ऑटो कार्ड है ना, ऑटो कार्ड में चेक करने के टाइम रेडियस से फुल लेंथ, आर्क का लेंथ, डिग्री सब कुछ ऑटो कार्ड से हमको मिलता है। ठीक है, ये हमको कोई भी मैं अभी CCW यूज़ कर रहा है। ठीक है, अभी बाई मेशरमेंट मतलब हम मेशरमेंट करके हमको यूज़ कर सकते एक और बाई असिस्टिंग पॉइंट मतलब इसका अंदर पॉइंट है सेव करके हम रखा, वही पॉइंट का ऊपर करता है। अभी इधर आने के टाइम और नेक्स्ट देगा, इस तरह से हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट में P3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा P1 पॉइंट में सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में क्या करेगा, हमारा हार्क का पॉइंट यही आता है, ये वाइट ये आ रहा है, वाइट डिस्प्ले वाइट टेप में मैं डॉट करके रखा। अभी स्टार्ट करेगा, देखो हमारा पॉइंट सही है हमारा, मे बी हम कभी कभी कुछ उल्टा पॉइंट उल्टा डाला तो फिर ये आर्क का पॉइंट ये शो है ना, आर्क का इधर ही शो करता है, ये उल्टा आता है, इधर से आता है। ठीक है, हम सही वे किया तो इधर से बराबर ये आर्क में क्लॉकवाइज में आता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में इसमें आता है। ठीक है, इधर हमको एक बार चेक कर सकते हैं सर्कल लेंथ, टोटल लेंथ, फिर रेडियस पूरा इधर से हमको क्रॉस चेक कर मेशर करने के लिए इधर ही जाओ। फिर इसके बाद में लेज़र ऑन करेगा, लेज़र ऑन किया चेक कर सकते हैं। अभी देखो मैं पॉइंट टारगेट कर रहा है, इधर ही पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में देखो 3mm का फर्क है, वो हमको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा आगे चेक करेगा, अभी आगे अभी इधर ही इधर मेरे को एक पॉइंट डालना चाहिए ऐसा कुछ है, तो इधर चेक कर सेट करके इधर मेशर मारना है, 2mm आ रहा है। अभी इसमें क्या करना है, एक्चुअली हमारा आर्क बराबर है तो हमारा W एंड H दोनों हमको 0-0 मिलना चाहिए। ठीक है, ये लेंथ आता है, ये विड्थ आता है। ठीक है, ठीक है, हम दोनों 2-2 mm मिल रहे हैं। अभी उधर ही पॉइंट मिल, हम सेंटर में ऑलरेडी मैं एक पॉइंट आर्क का सेट करके रहेगा, उसमें हमको चेक करेगा। अभी इधर ही सेट मशीन मेरा सेट किया, अभी इसमें रीडिंग कितना आ रहा है चेक करेगा। एक्चुअली हमको mm देखो mm मिल रहा है, मतलब रेडियस पक्का, रेडियस हमारा सेंटर
ये आर्क का सेंटर एक पॉइंट इधर आता है, दूसरे पॉइंट इधर आता है, इसका सेंटर बराबर वही आता है, ठीक है। ऐसे हमको आर्क बना सकते हैं। इसमें चाहिए तो आदमी लोग चाहिए तो ये हमको स्टोर करा तो स्टोर भी कर सकते। देखो इधर ही मैं ओके किया, हमारा बराबर आर्क का अंदर है, हमको इसी से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा कुछ जगह से हम चेक करना चाहिए, ऐसा कुछ क्या करने का, बराबर लाइन में है नहीं है थोड़ा चेक करना चाहिए। अभी मैं लाइन थोड़ा आगे किया, देखिएगा डरमश कर रहा है, ये बराबर है चेक करेगा। देखो ये बराबर नहीं है, ये डिस्प्ले में ये मशीन का एडवांटेज यही है, मशीन में देखो बराबर नहीं है, इसलिए वो बराबर हम वो कर सकते हैं। थोड़ा फिर भी आना चाहिए, नाइन एम एम आना चाहिए, देखो 1 mm अभी देखेगा उसमें आ रहे, देखो उसमें आ रहे, ठीक है। इतनी है, ऐसे है इसमें आर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक वीडियो में दूसरा दिन में आएगा, ओके। सबको आदमी को ये यूज़फुल आएगा लगता है, पूरा आदमी लोग सब्सक्राइब कर दो, कुछ डाउट है तो कमेंट में डालो, ठीक है।